जब भी हम कोई वीडियो क्रिएट करते हैं तो वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम म्यूजिक, साउंड इफेक्ट और फोटो का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस वीडियो को बेहतरीन बना सकें। अब बात यह आती है कि अगर हम कहीं से म्यूजिक या फिर साउंड इफेक्ट या फोटो हम कहीं से लेते हैं तो हमें कॉपीराइट क्लेम का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ से आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के म्यूजिक मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इमेजेस और साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी तरह का क्रेडिट नहीं देना पड़ेगा और ना ही कभी आपको उस कंटेंट पे कॉपीराइट क्लेम का सामना करना पड़ेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज भास्कर, आप देख रहे हैं चलो यूट्यूबर बने चैनल में। तो फिर वीडियो बहुत ही नॉलेजबल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए वीडियो को आगे ले चलते हैं, उसके लिए चलना होगा मेरे फोन के स्क्रीन पे। तो चलते हैं फोन के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए फोन के स्क्रीन पे। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लेने के लिए हमें चलना होगा यूट्यूब स्टूडियो में, तो उसके लिए हम चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे studio.youtube.com। तो हम यहाँ से सर्च कर लिए, उसके बाद मेरा यहाँ पे चैनल ओपन होगा। हम आ गए हैं अपने चैनल पे। उसके बाद हमें यहाँ पे म्यूजिक कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यानी कि डाउनलोड करना है। इसके लिए हमें जाना होगा YT स्टूडियो के लाइब्रेरी में। तो YT स्टूडियो का लाइब्रेरी जो है यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और लाइब्रेरी में चले जाएंगे। तो लाइब्रेरी में जाने के बाद यहाँ हम आपको बहुत सारे म्यूजिक मिल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे म्यूजिक का ऑप्शन है, यहाँ पे साउंड का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे म्यूजिक, जो भी हमें म्यूजिक लेना है हम यहाँ से म्यूजिक अपना सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको साउंड लेना है तो आप साउंड इफेक्ट अगर करना चाह रहे हैं तो आप साउंड इफेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई एक चाहिए, जैसे कि साउंड इफेक्ट में कोई एक चाहिए, तो उसके लिए हमें एक सर्च करना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्च फॉर फिल्टर लाइब्रेरी, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जो 3-4 लाइन है, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। जो भी आपको देखना है, कैटेगरी देखना है, ड्यूरेशन देखना है, ट्रैक टाइटल, आप जैसे देखना पड़े तो आप कैटेगरी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी करने के बाद आपको कौन से कैटेगरी में क्या लेना है आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। किस प्रकार का आपको साउंड इफेक्ट चाहिए, अलार्म चाहिए या फिर एनिमेंट्स चाहिए, जिस प्रकार से कार्टून चाहिए या फिर कार का हॉरर, जैसे भी आपको चाहिए आप उस प्रकार के साउंड इफेक्ट क्लिक करने के बाद अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद आप वहाँ उस प्रकार से दिख जाएंगे, जिस प्रकार के आप टूल देखना चाहेंगे उस प्रकार से यहाँ पे साउंड इफेक्ट दिख जाएंगे। तो फिर ये रहा पहला साउंड इफेक्ट, आप यहाँ से म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर से पहला हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। फ्री में डाउनलोड म्यूजिक भी कर सकते हैं, फोटो और सब भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें चलना होगा गूगल पे। फिर हम लोग आ गए गूगल पे। अब गूगल के आने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे पिक्साबे। तो पिक्साबे जब हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमें एक वेबसाइट ओपन होगी, या फिर मेन वेबसाइट है तो हम डायरेक्ट वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। अब वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे उसका वेबसाइट ओपन हो रहा है। तो फिर से यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेचर का फोटो आप चाहे तो ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम नेचर का दिखा दे रहे हैं। आपको यहाँ पे खरीदने के लिए आ गया है और आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे फ्री में आ रहा है, तो आप नेचर का जो है फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए इसमें भी कुछ लाइसेंस होता है, तो जैसे कि आप यहाँ पे फोटो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको लाइसेंस दिख जाएगा नीचे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंटेंट लाइसेंस है, सामग्री लाइसेंस, सामग्री लाइसेंस के तहत उपयोग करने के लिए निःशुल्क है, कोई विशेषता आवश्यक नहीं है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, मुझे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। फिर डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नेचर के बाद यहाँ पर वॉलपेपर भी आप लगा सकते हैं, वॉलपेपर के साथ बैकग्राउंड भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वॉलपेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, ये सब वॉलपेपर है, जैसे भी आप वॉलपेपर लगाना चाहें उसे वॉलपेपर ऐड कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का भी ऑप्शन मिल जा रहा है, आप बैकग्राउंड भी देख सकते हैं किस प्रकार से बैकग्राउंड आते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बैकग्राउंड आ गया, कुछ में कुछ फ्री भी हैं और कुछ पेड भी हैं, तो आप पेड लेना चाहें तो पेड भी ले सकते हैं और फ्री में लेना चाहें तो फ्री में ले सकते हैं। फोटो पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको फोटो चाहिए आप यहाँ से क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। वेक्टर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, वेक्टर्स में से ये सब आपको चीज़ें मिल जाएंगे कि किस प्रकार से कौन सा प्रतीक रहता है। उसके बाद यहाँ पे और सारे ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट कर लिए हैं। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि हम सर्च कर ले रहे हैं सोशल मीडिया। टाइपिंग करने के बाद यहाँ पे हम सर्च कर दे रहे हैं, हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं मिल जा रहा है। तो जो भी आपको डाउनलोड करना है आपको उस पर क्लिक करना है, जैसे कि हमें इसको डाउनलोड करना है तो हमें इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सामने ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद हमें डाउनलोड फ्री आ जाएगा। तो आप डाउनलोड करने से पहले इसका लाइसेंस जरूर पढ़िएगा। हम लोग चलते हैं इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लाइसेंस दिख जाएगा, सामग्री लाइसेंस। सामग्री लाइसेंस के तहत उपयोग करने के लिए निःशुल्क है, कोई विशेषता आवश्यक नहीं है,
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई विशेषता आवश्यक नहीं है। तो आप यहाँ पे ऊपर डाउनलोड फ्री पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड फ्री क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1.2 MB का भी सेलेक्ट हुआ है। तो आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे नॉट रोबोट पे क्लिक करके आप जब ये कैप्चा हो जाएगा तब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में पहुँच जाएगा। उसके बाद आप और जैसे कि म्यूजिक अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे तो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइड में यहाँ पे वीडियो था, उसके जस्ट बगल में आपको म्यूजिक मिल जाएगा। जैसे अगर आप वीडियो बना रहे हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कहीं और नहीं है, इस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा और भी कॉपी राइट फ्री। आप उसका लाइसेंस डाउनलोड करते टाइम लाइसेंस जरूर पढ़िएगा। आप देख पा रहे हैं इतने सारे म्यूजिक हैं। आपको अगर साउंड इफेक्ट चाहिए तो आप यहाँ पर साउंड इफेक्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए साउंड इफेक्ट भी आपको मिल जाएगा और फिर काफ़ी राइट फ्री। जैसे कि साउंड इफेक्ट मेरा कभी कभी आप देखते होंगे कि जब भी कोई लिखावट आता है, सब टाइटल आता है तो वहाँ पे साउंड इफेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे GIF भी मिल जाएगा आपको, ढेर सारे GIF भी मिल जाएंगे जो भी आपको डाउनलोड करना है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हमें दो वेबसाइट के बारे में बताया, जैसे कि आपको पहला बताया YT स्टूडियो के बारे में, जहाँ कि आप YouTube के डायरेक्ट लाइब्रेरी से जाके वहाँ से वीडियो अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप YouTube के लाइब्रेरी से वीडियो डाउनलोड किए रहेंगे तो भी वहाँ से आपको काफ़ी राइट का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसका जो मैं आपको यहाँ पे फिक्सावे के बारे में बताया, आप उस वेबसाइट से जाके आपको जो भी चाहिए वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। बट हाँ, आपको इस चीज़ को जरूर ध्यान देना है कि आपको डाउनलोड करते टाइम आपको उसके लाइसेंस को जरूर पढ़ना है। लाइसेंस को पढ़ने के बाद ही आप वीडियो को डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।